create graphic resources and hands-on. So for this session, I'm again inviting Dr. Gulshan to take the session. Over to you, Dr. Gulshan. अच्छा सॉरी, थैंक्स सर फॉर रिमाइंडिंग. मैं ये बोल रही थी, सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. इससे पहले एक जो क्वेरी थी, ये कैनवा को लेकर एक सवाल आया था कि हम कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो डाउनलोडिंग के लिए जब हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, जो टॉप राइट पे होगा, शेयर बटन के अंडर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, और भी ऑप्शन होंगे, और फिर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का. डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स आएंगे. जिस भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहें उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्रिएशन को. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज अगेन ऑन ग्राफिक रिसोर्सेज पार्ट टू. एंड इन दिस सेशन वी विल कवर अनदर आईसीटी टूल फॉर माइंड मैपिंग, विच इज नोन एज विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, व्यू, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं. तो व्यू के थ्रू कैसे माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि माइंड मैप भी एक प्रकार है इन्फोग्राफिक्स का, वो आज हम सीखेंगे. मेरी आवाज अब तो आ रही है? इसमें मारी है. हाँ ठीक है. अच्छा, तो जिसको नहीं आ रही वो एक बार अपने एंड का इंटरनेट कनेक्शन वो चेक कर लीजिए प्लीज. तो आप सबने क्लास में माइंड मैपिंग कभी ना कभी तो यूज की ही होगी. ऐसा नहीं कि माइंड मैपिंग हमें हायर क्लासेस में ही हम लोग यूज करेंगे, हम जूनियर क्लासेस में भी माइंड मैपिंग का यूज कर सकते हैं, और सिंपल सिंपल जो है माइंड मैप जो हम बना सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि माइंड मैपिंग अगर आपने यूज की है तो उसमें आपने कौन सा टॉपिक कवर किया है, किस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करने के लिए माइंड मैप का यूज किया है. क्योंकि आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के तो कौन से टॉपिक्स आपने कवर करे हैं. वेरी गुड. आपने ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ट्रायंगल्स आपने सिखाए हैं माइंड मैपिंग के हेल्प से. ठीक है, इंटरनेट को क्या हो गया. ओके नाइस, ठीक है ठीक है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सोशल साइंस का एक टॉपिक है, फोर्स एंड इट्स टाइप्स ये साइंस का है. अगेन कैरेक्टर राइटिंग, वेरी गुड. लैंग्वेजेस का एक टॉपिक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के लिए जो है यूज किया है माइंड मैपिंग को, सिटीज को. मैक्सिमम ये एक अंदाजा यहाँ लगा सकते हैं आपकी जो टॉपिक्स को देखते हुए कि आपने लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में और साइंस में यूज किया है, इवन मैथमेटिक्स में आल्सो माइंड मैपिंग का यूज किया है, ताकि अपने कॉन्सेप्ट जो है वो आप इजी फॉर्म में बच्चों को आप समझा सकें. कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं तो आज हम इसीलिए ये डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम माइंड मैप्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं.
नॉर्मली साइंसेज में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिक्स में कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, तो या लैंग्वेजेस में भी ऐसा होता है. तो जब हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो हम जिसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को हम एकदम इजीली समझ में नहीं आ रहे हैं, आसानी से उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम यूज करते हैं ग्राफिक्स का. जैसे कि पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप बच्चे के सामने किसी टॉपिक को रखते हैं तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग या माइंड मैपिंग भी एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो स्टूडेंट्स के सामने, या किसी और को भी, ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कोई भी हो सकती है, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कहीं आप मान लीजिए आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं एज अ रिसोर्स पर्सन, या आप कहीं गए हैं तो अपना टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करा, अपने टॉपिक को अनाउंस करा और एक आपने पिक्चर सामने रख दी कि भाई इस पिक्चर को आप देख लीजिए, ताकि उस पिक्चर को आप उसमें आपने पिक्चर में आपने देख लिया कि टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, आज आप क्या डिस्कस करने वाले हो, उसके एग्जांपल्स आपने जो है अलग अलग फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो आपने दिखा दिए. तो माइंड मैपिंग का या कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज जो है वो कहीं भी हो सकता है अदर देन योर क्लासरूम्स. कॉन्सेप्ट मैपिंग की हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट होते क्या है. ऑब्वियसली आप सब लोग एक्सपीरियंस टीचर हैं, हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं तो सबको ये पता होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ऐसे आइडियाज जिनको हम वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या उनको हम, उनके एग्जाम्पल हम सामने नहीं रख सकते. तो हम क्या करते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझाने के लिए जो है हम पिक्चर्स का या ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं, ताकि हम जो है आसानी से उस चीज को अगले तक, अगला जो भी वो है हमारा टारगेट है, उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सके, अपनी बात पहुंचा सके. ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट करते होते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पे आप एक और कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हो अपने ऑडियंस के माइंड में. तो हम ये भी कह सकते हैं इट कुड बी अंडरस्टूड एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, आप बता रहे हो रेन कैसे होती है, अपनी क्लास में आपने बताया बारिश कैसे होती है, बारिश को आपको समझाने के लिए कि बारिश क्या होती है, ठीक है, बारिश के कौन से सीजन है, आपने रेन को एक्सप्लेन किया कि रेन क्या होता है. ठीक है, व्हेन देयर इज क्लाउड फॉर्मेशन इन द स्काई, व्हेन देयर इज हैवी क्लाउड फॉर्मेशन इन द स्काई, देन द रेन स्टार्ट्स. मैं एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि मैं साइंस टीचर नहीं हूँ, लेकिन बस मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच जाए. तो मैंने ये बताया अपनी क्लास में कि हैवी क्लाउड फॉर्मेशन जब होता है, और जब क्लाउड्स का कलर जो होता है डार्क होता है और डेंस होता है, तब जो है रेन होती है. लेकिन ये मैंने एक रेन के बारे में बता दिया बच्चे को, अब रेन कैसे होती है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया रेन का, रेन कैसे होती है ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया. तो मैं क्या कर रही हूँ, रेन के साथ साथ जो है बच्चों की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनको मैं क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, उनके उससे जुड़े हुए जितने और कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बच्चों को समझा रही हूँ. ठीक, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे अपने शब्दों के साथ साथ मुझे उस एक टीचिंग एड की जरूरत पड़ेगी, उस जिसकी मदद से मैं बच्चों को वो कॉन्सेप्ट आसानी से समझा सकूं. तो मैं यूज करूंगी माई माइंड मैप का यूज कर सकती हूँ, या मैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी पिछले वाले सेशन में, मैं इंफोग्राफिक्स का यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने रेन का कॉन्सेप्ट मैं अपना सिखा रही हूँ बच्चों को, या मैं सिखा रही हूँ कि एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे होते हैं, तो उनके लिए मैंने कॉन्सेप्ट मैप बना लिया, और एक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जितने और सब कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बच्चों को आसानी से समझा पा रही हूँ. ठीक है, तो जब हम कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करते हैं तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, रेन का एग्जांपल लिया, मैं रेन समझाना चाह रही हूँ, या मैं क्लाइमेटिक चेंज समझाना चाह रही हूँ, तो ये मेरा हो गया मेन आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम डिपिक्ट करेंगे, ये किसी भी शेप में हम इसको दिखा सकते हैं, या ओवल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो हमारी चॉइस है कि हम किस शेप में उसे दिखाना चाहते हैं. तो जब हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं, हमारे पास होना चाहिए एक मेन कॉन्सेप्ट
और हमारे पास होने चाहिए सब कॉन्सेप्ट के हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से सब कॉन्सेप्ट बच्चे को हम समझाना चाह रहे हैं, उसको क्लियर करवाना चाह रहे हैं। और जब हम मेन कॉन्सेप्ट की हेल्प से सब कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो कनेक्टिंग लाइन्स होंगी उन लाइन्स को हम एरो की शेप में हम डिपिक्ट करेंगे और इनको रिलेशनशिप लाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज का एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक ये कॉन्सेप्ट मैप बनाया है जिसमें कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस की क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या उसके कॉजेज हैं और क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग शेप्स में रखे गए हैं। ठीक है, और मेन कॉन्सेप्ट को हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कॉन्सेप्ट्स को हम डिपिक्ट करते हैं ओवल्स में भी हम कर सकते हैं, सर्कल में दिखा सकते हैं, बॉक्सेस में दिखा सकते हैं, और ये जो शेप्स होती है इनको कहा जाता है नोड्स। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जब हम करते हैं तो हम इन्हें ये नहीं बोलेंगे कि बच्चों को हम ये नहीं बोलेंगे कि सर्कल में जो लिखा है वो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ओवल में जो लिखा है वो सब कॉन्सेप्ट है। हम बोलेंगे हम इनको इन सारी शेप्स को नोड्स का नाम देंगे, और ये जो रिलेशनशिप लाइंस है इनको हम क्रॉस लिंक्स भी कह सकते हैं या कनेक्टिंग लाइंस भी हम इनको कह सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट मैप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट मैप को क्रिएट करने के लिए सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, एक सब कुछ सब कॉन्सेप्ट होने चाहिए और ये कनेक्टिंग लाइंस, और सब कॉन्सेप्ट एक सब कॉन्सेप्ट दूसरे सब कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स, कितनी तरह के कॉन्सेप्ट मैप हो सकते हैं, मैंने चार ही एग्जाम्पल लिए। कॉन्सेप्ट मैप बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। तो अब स्पाइडर जैसे होती है ना, स्पाइडर के जो पैर होते हैं वो चारों तरफ ऐसे फैले हुए होते हैं, तो इसकी शेप स्पाइडर मैप की फॉर्म में भी हो सकती है। फ्लो चार्ट भी आपका कॉन्सेप्ट मैप बन सकता है, यानी फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। फ्लो चार्ट आप सबने बनाया ही होगा। हायरार्की मैप की शेप में भी आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो बच्चों को, सिस्टम मैप की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो आप की शेप जो है कॉन्सेप्ट मैप की वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका फ्लो चल रहा है, आपने कहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा और कहाँ आप कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं शेप से बनाए, हायरार्किकल फॉर्म में ही बनाए, जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम में बनाए या फ्लो चार्ट में बनाए। आप किस तरीके से स्प्रेड कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट को, कितना आप उसमें सब कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रहे हैं, जितना आपके सब कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे उतना ही क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो उसमें जो है एक्सटेंड आपको करना है अच्छे से। सो अब अगर हम पूछें कि मैंने स्लाइड शो नहीं किया था, एक बेसिक सवाल ये होता है कि हम कॉन्सेप्ट मैप भी बोल रहे हैं, माइंड मैप भी बोल रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है कॉन्सेप्ट मैप में और माइंड मैप में? हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट मैप एंड माइंड मैप? अच्छा, एक सवाल आया, कैन बार ग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम एटसेट्रा आर आल्सो कंसीडर्ड एज कॉन्सेप्ट मैप? इनको हम कॉन्सेप्ट मैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी हम हमारा डिस्कशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट मैप में आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप सिंप्लीफाई स्टाइल में आप दिखाते हो, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हो। तो हम बार ग्राफ, पाई चार्ट या डायग्राम का तब यूज करते हैं, स्पेशली ग्राफ्स का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें डेटा को दिखाना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग में नहीं आएगा, बार ग्राफ्स या पाई चार्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइंड मैप एंड कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मोर देन वन कॉन्सेप्ट यू कैन इंक्लूड, लेकिन इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए होता है जो कि कनेक्टेड होता है बाकी के सब कॉन्सेप्ट से।
लेकिन जब आप माइंड मैप क्रिएट करते हो तो एक माइंड मैप में, जैसे कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो ना, कोई भी एक टॉपिक ले लोगे, कोई भी एक टर्म ले लोगे और उसको जो है उससे रिलेटेड जो है आप उसको एक्सपेंड करते जाओगे, उससे रिलेटेड टर्म से या उससे रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट में। तो माइंड मैप में एक कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट मैपिंग में जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड दोनों में होते हैं, माइंड मैपिंग भी आप जब करेंगे उसमें भी कनेक्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में कनेक्टिंग वर्ड नहीं है लेकिन जब आप फ्री माइंड की हेल्प से माइंड मैपिंग करते हैं या माइंड मैपिंग की और जो एप्स हैं तो कनेक्टिंग वर्ड्स उसमें आप लिख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट मैपिंग में भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ये कुछ ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स हैं, इनके अलावा भी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स अवेलेबल हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, ऐसे नहीं कि बस यही है, इनके अलावा भी हैं, ठीक है। bubble.us, पॉपलेट, माइंड मैप, क्रिएटली, कॉगल, लूसिड चार्ट, माइंड मिस्टर, माइंड ओमो, माइंड, इनकी कुछ की तो एप्स भी अवेलेबल है, स्पाइडर स्क्राइब है, कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल है, जैसे कि फ्री माइंड है, एड्रो माइंड मैप है, डॉसियर है, व्यू है, फ्री प्लेन कॉगल है, एक्स माइंड, वाइज मैपिंग, माइंड 4-2, 3D टॉपिक स्पेस, ये सब क्या है, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स है। तो हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल कहाँ हम यूज करते हैं, अगर हमने हम कॉन्सेप्ट मैपिंग तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा टॉपिक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है और हम कंप्लीटली अपने क्लास के हर बच्चे को वो नहीं समझा पा रहे, क्योंकि क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ हमारे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कुछ उसमें हमारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है तो हम हर बच्चे को हम साथ लेके चले तब हम ये सोचते हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट, हम अपने जो भी टॉपिक हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम इजी स्टाइल में, इजी मैनर में पढ़ाएं। तो अपने हर लर्नर को हमें एक्टिव लर्नर बनाना है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम तब भी यूज करते हैं कि जब हमें अपने लर्नर को ये नहीं सोचना कि वो पैसिव लर्नर बने, वो एक्टिव लर्नर बने, ये हमको ध्यान में रखना है। और कंसेप्ट मैपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंसेप्ट को आप क्लियर नहीं कर रहे, एक कंसेप्ट के साथ साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आप जो है बच्चों को क्लियर कर रहे हो किसी भी टर्म से रिलेटेड, तो जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की जो न्यू लर्निंग आइडियाज है या न्यू इंफॉर्मेशन है वो कंस्ट्रक्ट होगी, वो क्रिएट होगी। जैसे आप जानते होंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो क्या कहती है, और बच्चे जो होते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मीनिंगफुली लर्न कर सकेंगे, और जो उन्होंने पढ़ा है, जो भी नॉलेज आप उन्हें दे रहे हो उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकेंगे। तो ये एक टेबल है जिसमें दिखाया गया है कंपैरिजन ऑफ माइंड मैपिंग टूल्स, कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म on which they can be used and what would be the use of that concept mapping or mind mapping tool and what are the important export files that are there in that tool. So ye ek comparison diya gaya hai, isko bas aap dekh lijiye ek bar, ye isliye hai ki taaki aapko ek idea ho jaye कि आपका जो आप पीसी या लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो और उस पे कौन सा टूल जो है वो कंपैटिबल है। ये सिर्फ इसलिए दी गई है स्लाइड। ये bubble.us, माइंड मैप, गूगल, ये किस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कितनी तरह के आप इस पे जो है किस किस तरह के माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हैं और क्या इनकी फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट जो है ओपन सोर्स एक ये प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया गया था एकेडमिक टेक्नोलॉजी ग्रुप एट टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे व्यू को तो वहां पे लिखा हुआ आएगा
टफ्ट्स का, tufts.com या developed by Tufts University, इसलिए ये वाला इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो व्यू में जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग का ही ये सेशन है और कॉन्सेप्ट मैपिंग का टूल है, तो व्यू की हेल्प से आप जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इसमें है, जो भी आप कॉन्सेप्ट्स आप क्रिएट करें उनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो। आप इसमें कंटेंट मैपिंग भी कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट मैपिंग एक इतनी वाइड टर्म है जो सिर्फ एजुकेशन के एरिया से ही पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग किसी भी एरिया में हो सकती है, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, सीईओस हो, मैनेजर्स हो, यानी अदर देन एरिया ऑफ एजुकेशन जितने भी एरियाज हैं कोई भी कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्सेप्ट मैपिंग आपने किस किस टॉपिक पे की, तो आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक हमें बताए, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी आपके टॉपिक्स थे। आप कोई पोयम अगर बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोएट्री में थोड़ा सा सबका बेंट ऑफ माइंड वैसा नहीं होता, पोएट्री सबको समझ में नहीं आती है, तो अगर आप पोएट्री का कोई कॉन्सेप्ट उसमें समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो उसमें भी आप कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्चुअलाइज एंड एक्सेस डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन अ नॉन लीनियर वे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में आपके कॉन्सेप्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज यू कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्सेप्ट मैप, यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज एनी इन्फॉर्मेशन इन अ लीनियर वे, इट इज ऑलवेज नॉन लीनियर। तो ये उसका होम पेज है विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट का। जब भी आप व्यू को डाउनलोड करेंगे, आप गूगल क्रोम पे जैसे कि हमने पहले कैनवा को सर्च करा था, उसी सर्च बार में आपको लिखना होगा विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, और उसमें जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको फिर ये वाला स्क्रीन दिखेगा, ये स्क्रीन अपीयर होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन है डाउनलोड का। डाउनलोडिंग में ये पूछ रहा है कि मैक वर्जन में आपको डाउनलोड करना है, विंडोज में या लिनक्स में, तो जो भी आपका प्रिफर्ड वर्जन होगा वो आप उसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो हम ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला, इसमें हम क्लिक करेंगे डाउनलोड विंडोज फॉर डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज, और फिर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आपसे परमिशन लेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर, हम रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं वही प्रोसेस रहेगा इसका, कोई अलग नहीं है। फाइल्स जो होंगी वो सारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर डाउनलोडिंग के बाद आपका ये एम्प्टी मैप एरिया यानी कि व्यू का जो होम पेज है वो खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे हम अपनी कॉन्सेप्ट मैपिंग स्टार्ट करेंगे। अमन ज्योत जी, आपका ये फिजिकल हैंड रेज्ड है, कुछ पूछना है आपको या ये स्क्रीन लॉक हो गया है? तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डाउनलोड करना है। स्टॉप शेयर, जस्ट अ मिनट, मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। व्यू का मोबाइल वर्जन नहीं है, ऐप नहीं है व्यू की, आप इसको अपने लैपटॉप या पीसी पे करेंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पे नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, और माइंड मैपिंग टूल्स हैं जिनकी ऐप अवेलेबल है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली आप जैसे आपने पहले कैनवा सर्च करा था वैसे ही आप सर्च कीजिए विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ आर्टिकल्स का ये आएगा सर्च के लिए, और पहला लिंक जो है ये देखिए जो हम बता रहे थे view.tufts.edu, ये वाला लिंक आपको क्लिक करना है। आप लोग भी साथ के साथ करते चलिए, थोड़ा सा नेट स्लो है तो आप देख पा रहे होंगे या स्पीड जरा सा स्लो जा रही है। आ गया, देखिए अभी पूछ रहा है डाउनलोडिंग के लिए, जैसा कि हमने स्लाइड में बताया था आपने। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। विंडोज हम यूज करते हैं तो हम क्लिक करेंगे डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज। अगर आपका कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फाइल्स सॉरी ये सॉफ्टवेयर जो है आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये आप नीचे देखेंगे इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होना। इसको डाउनलोड होने के बाद कम्प्लीटली जब डाउनलोड हो जाएगा तब हम इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक और ये ओपन हो जाएगा। आप लोग भी कर रहे हैं साथ के साथ। बहुत आसान है ये, बहुत इजी है इसको यूज करना। सिंपल नोड्स और लिंकिंग लाइंस का आपको यूज करना और आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। गुड, कर रहे हैं आप लोग, ठीक। इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया है, हमने इस पर क्लिक करा और ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें जो ये installer.exe है इस पे हमने क्लिक करा और सारी फाइल्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी डाउनलोड होना। ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसमें से एक कॉपी जो है एक नाम आप ऐड कर लो हमारी हेड को करना, उनको चाहिए, ये उनको भी चाहिए, उनकी डेपुटेशन कहाँ। आपको मेरा स्क्रीन क्या वहीं पे स्टक हो गया है क्या, डाउनलोड वाले विंडो पे, डाउनलोड वाले पे, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है पूरा सारी फाइल जो है डाउनलोड हो जाएंगी। मेरा स्क्रीन शायद वहीं पे स्टक हो गया, मुझे जो मैं देख पा रही हूँ तो अपने मोबाइल से। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ।
तो डाउनलोड होने के बाद ही एम्प्टी मैप एरिया आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना माइंड मैप क्या कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करना, कॉन्सेप्ट मैप क्रिएट करेंगे हम यहाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले या इधर मेन्यू बार आपको नजर आएगा ये फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट कंटेंट पाथवे, ये जो ऑप्शन है ये मेन्यू बार है और इसके मेन्यू बार के नीचे जो है टूल बार आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहला बटन जो है वो है सिलेक्शन टूल, उसके बाद नोड टूल जिनकी हेल्प से आप अपने नोड्स क्रिएट करेंगे, ये है लिंकिंग टूल, ये है रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल, ये है टेक्स्ट टूल टेक्स्ट ऐड करने के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए, ये है आपका मूव अगर आपको पूरे कैनवस को मूव करना है, पूरा माइंड मैप क्रिएट हो जाता है उसके बाद मूव करने के लिए, और ये है आपका प्ले बैक स्लाइड्स। इसमें जब आप मैप में भी आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं यानी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी लेयर्स को अगर एक साथ प्ले करना होगा तो इस वाले बटन का हम तब यूज करेंगे। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बनाते हैं जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था यानी कि जो मेन थीम था मेन कॉन्सेप्ट था। हम आज माइंड मैप बनाने वाले हैं अबाउट एयर पॉल्यूशन। ठीक है ये एयर पॉल्यूशन का मैं एक थीम ले लेती हूँ। मैंने ये एक ड्रॉ कर लिया नोट और इसमें मैंने लिख दिया एयर पोल्यूशन। हम जानना चाहते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है तो हम ये लिंकिंग टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक लिंकिंग लाइन बना देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में एक ये कनेक्टिंग वर्ड के लिए स्पेस आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे causes। ठीक है causes क्या क्या हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के causes हो सकते हैं नेचुरल causes हो सकते हैं, एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। या फिर यूज ऑफ मशीन्स भी हो सकता है। ठीक है ये तीन कॉजेज हो सकते हैं लेकिन मेरे कॉजेज तो बहुत ही दूर हो गए, ये तो बिल्कुल उसे टच ही नहीं हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी या तो अपनी लिंकिंग लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगी और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी। ठीक एक और मैं मेन कॉन्सेप्ट से इसे कनेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं एक और लिंकिंग लाइन जो है वो क्रिएट कर दूंगी। ठीक है अब यहाँ पे मुझे लेबल की जरूरत नहीं है तो मैंने कहीं भी क्लिक करा और ये जो है लिंकिंग वर्ड ये चला गया डिसअपियर हो गया। फिर मैं इसको भी कर देती हूँ लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि कॉजेज जो है वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी है क्योंकि लिंकिंग वर्ड तो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी मैं इस लिंकिंग वर्ड को हटा दूंगी। ठीक है और मैं यहाँ पे एक और नोड क्रिएट कर दूंगी। अब मैं इसको बार बार मॉडिफाई इसलिए करी क्योंकि कभी कभी जब हम बनाते हैं ना तो बनाते बनाते ही हमारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं।
और इस वाली लाइन को मैं छोटा कर दूंगी ताकि हमें ये पता चले कि हम कॉजेस की बात कर रहे हैं। इस वाले को बॉक्स को मैं थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले आऊंगी और एक और फिर लाइन यहां से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, लिंकिंग वर्ड हम कहीं भी क्लिक करेंगे लिंकिंग वर्ड जो है वो चला जाएगा। और ये जो मेरी लाइंस अलग कनेक्ट हो रही हैं क्योंकि मुझे तो ये बताना है कि कॉजेस क्या है और एयर पोल्यूशन के, इनको हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से। और इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक, फिर अगली लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इधर ले आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्लैरिटी आ रही है कि हम एयर पोल्यूशन के हमने कॉजेस देखे और कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। ये तीन कॉजेस हो सकते हैं। अब नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं? नेचुरल कॉज हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर हो सकता है, और हो सकता है आपका वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ह्यूमन कॉज में आ सकते हैं आपके पावर प्लांट्स आ सकते हैं, बर्निंग ऑफ फायर वुड आ सकता है, या फैक्ट्रीज वगैरह आ सकती हैं, रिफाइनरीज जो होती हैं वो आ सकती हैं, फैक्ट्रीज एंड रिफाइनरीज कर सकते हैं। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले नोड्स सारे क्रिएट कर लीजिए फिर उन्हें कनेक्ट करिए, या फिर आप साथ के साथ जो है कनेक्टिंग लाइन्स आप ड्रॉ करते चलिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको हम कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हमने लिंकिंग लाइन उठाई है और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। नेचुरल कॉज ये हो सकता है, नेचुरल कॉज जस्ट ये भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज ये हो सकती हैं, पावर प्लांट्स, या फिर ऐसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि बिल्कुल नोड से लगा के लिंकिंग लाइन क्रिएट करें, आप एक लाइन से दूसरी लाइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ मशीन में हम करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं या आपके एयर कंडीशनर्स का जो यूज हम समर्स में ज्यादा करते हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अब इनको हम कनेक्ट कर देंगे सब कॉन्सेप्ट से। ये अब आप देख रहे हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, फिर सब कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
इसको और आगे हम अपने कॉन्सेप्ट मैप को जो है बढ़ा सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन अगर होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन अगर होता है तो उससे जो है बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो फैल जाती हैं एयर में, जिनकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो उसको लेकर भी अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आगे और हम ये नोड्स की हेल्प से या जो लिंकिंग टूल्स हैं इनकी हेल्प से हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने माइंड मैप को। अब इसमें एक और ये आप देख रहे होंगे, ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का एक ये है टूल है। तो रैपिड अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक नोड क्रिएट करी है, फिर मैंने उसे लिंक किया है लिंकिंग लाइन से। लेकिन अगर आपको नोड और लिंकिंग लाइन एक साथ चाहिए तो आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग का यूज करेंगे। और आप देखिए इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करके देखिएगा, नोड्स और लिंकिंग लाइन साथ के साथ आएंगे, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है। अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना है और छोटा सा माइंड मैप आपको क्रिएट करना है तो आप ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नोड्स और लिंकिंग लाइन साथ के साथ आती हैं। इसको मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। एक और इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ माइंड मैप को। हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज में एक और कॉज हम ऐड करते हैं, ये है हमारा बर्निंग ऑफ फायरवुड। और जितनी नोड्स हैं आप इनको जो मूव कर सकते हैं, आपके जो कीबोर्ड में एरो बटन्स हैं उनकी हेल्प से आप मूव कर सकते हैं नोड्स को। फायरवुड जब बर्न होती है, जब जलती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि उससे स्मोक होता है, यानी कि वो धुआं जो होता है धुआं फैलता है। धुएं से बहुत सारे लोगों को जो है वो एलर्जी होती है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको बिल्कुल बियर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है फिर लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग इन्फेक्शन की, सॉरी, क्योंकि खांसी बहुत उठती है उसमें। अब इसके क्या इफेक्ट्स हैं, इसको और हम आगे एक्सटेंड करते हैं। हम एक ये लिंकिंग लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्मोक जितने आप इसमें बेसिक जो चीज है समझने वाली वो ये है कि जितने भी आप इसमें सब कॉन्सेप्ट ऐड करते चले जाएंगे उतना सिंपलीफाई आपका कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा, उतना आसान उसे समझना होता चला जाएगा, ठीक है। अब स्मोक को भी अगर आप फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसको आगे बढ़ाते चलिए, ठीक। तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि और भी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो माइंड मैप है इसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है और हमारे सब कॉन्सेप्ट कौन से हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे और फॉर्मेटिंग टूल बार हमको मिलेगी विंडोज ऑप्शन में, विंडोज मेन्यू में आपको मिलेगी फॉर्मेटिंग टूल बार। इस पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्मेटिंग पैलेट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए फॉर्मेटिंग पैलेट जो है अपियर हो गई है, ठीक है। अब हमें अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हमें शो करना है क्योंकि ये यहीं से हमारा हम इसी को एक्चुअली समझाना चाह रहे थे कि एयर पोल्यूशन होता क्या है और क्या इसके कारण है। तो हमने एयर पोल्यूशन को हमने सिलेक्ट करा और इसमें एक डिफरेंट कलर जो है जो भी आप इसका लेना चाहते हैं वो कलर आप फिल कर दीजिए। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, आइटेलिक्स, अंडरलाइन, आप अपने फॉन्ट का जो है स्टाइल भी बदल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे।
ठीक है, इसी तरीके से आपके जो सब कॉन्सेप्ट से उनको भी आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी नेचुरल कॉज अब समझाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको, मैं चाहती हूँ ये एक एक कलर में हो जाए। मैंने नेचुरल कॉज को सिलेक्ट करा और मैंने कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस करके मैंने इसी से जो इसी का जो सब कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट फायर उसे और वॉल्केनिक इरप्शन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और तीनों को मैंने एक कलर दे दिया। दूसरा जो कॉज है ह्यूमन एक्टिविटीज, मैंने उसे सिलेक्ट करा। अब मैं इसे अलग अलग दिखाना चाहती हूँ, इसे अलग हाईलाइट करना चाहती हूँ ताकि बच्चों को एक बार में देख के समझ में आ जाए कि तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो इनको सिलेक्ट करा और इनका कलर मैंने एक और अलग कर दिया, सो स्काई ब्लू कलर में कर दिया। फिर जो थर्ड कॉज है उसे सिलेक्ट करा, उसके सब कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करा और उसको भी कलर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है जिसको हम समझाना चाह रहे हैं और जो सब कॉन्सेप्ट से उनसे कनेक्टिंग सब सब कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग पैलेट की हेल्प से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप इनको बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन कर सकते हैं, आप नोड्स की शेप बदल सकते हैं। जैसे मेरा मेन कॉन्सेप्ट की आपको शेप बदल के दिखाती हूँ नोड की ताकि ये और बिल्कुल अलग से दिखने लगे। मैं इसको ले लेती हूँ, ओवल शेप में मैंने ले लिया है और इसकी जो लाइन्स है ये जो लाइंस आप देख रहे हैं कनेक्टिंग लाइंस जो है इनका भी आप डिजाइन वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, कर्व्ड की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये और कर्व्ड का दूसरा स्टाइल है। तो आप जैसे चाहे जैसे आपको जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इन लाइंस का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ही करके दिखा देती हूँ, जैसे लाइन को मैंने कर्व्ड शो करना चाहती हूँ तो मैं ये मैंने कर्व्ड स्टाइल में दे दिया, ऐसे थोड़ा सा और मेरा जो कॉन्सेप्ट मैप है वो और अच्छा दिखने लग जाएगा। ठीक, और ये जो डॉट्स हमको दिख रहे हैं इन डॉट्स की हेल्प से हम इनको और कर्व दे सकते हैं जैसे कि हम देना चाहें, ये हमारे ऊपर है कि किस तरीके का हम कर्व देना चाह रहे हैं। इन लाइंस को आप जो है बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए आप ये देख रहे होंगे वेट जहाँ पे लिखा हुआ है 1 PX 2 PX यहाँ पे जो है इनका वेट साइज है, तो इनको आप इसके अकॉर्डिंग आप बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ बच्चों को, मैं यह चाह रही हूँ, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं बच्चों को ज्यादा अच्छे से उस पर फोकस करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस वाली लाइन को जो है वो बोल्ड कर दिया वेट वाले ऑप्शन से। और सपोज ये वाली लाइन है जो मेरी ये है बर्निंग ऑफ फायरवुड, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अब इसका क्या कॉज होता है। तो इस लाइन को मैंने इसके स्ट्रोक्स में बदल सकती हूँ, अभी तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जा रही है, मैं इसको डॉटेड भी कर सकती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो कनेक्टिंग कंसेप्ट होते हैं उनको हम चाह रहे हैं कि हम दूसरे स्टाइल में दिखाएं, तो उनकी लाइन्स का हम जो डिजाइन है वो चेंज करते हैं। तो ये डॉटेड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैंने इसे डॉटेड लाइन में कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉटेड लाइन मुझे दिखने लग गई है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये नंबरिंग के ऑप्शंस हैं। एक और मैं इंटरेस्टिंग इसका फीचर आपको बताती हूँ, ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट में अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा टेक्स्ट आपको लिखना है इस वाले में, ठीक है, तो सिंपली या तो आप ऐसी टाइप कर लीजिए, अब ये एंटर मार के आपको दूसरी लाइन में आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका है,
आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक करा ऐड, उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो आपने ऐड करी, ठीक है। ये मैं रैंडम टाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी लिखने में थोड़ा सा वो लगता है, एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। आपने फॉर्मेटिंग पैलेट की हेल्प से इसको बुलेट्स दे दिए, बुलेट्स दे दिए या आपने नंबरिंग दे दी, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे, इसको उठाएंगे और किसी एक नोड में इसको मर्ज कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें अभी अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके आप जिस भी नोड में लेके जाना चाहेंगे उसमें मर्ज हो जाता है। ये अभी तो ये ओवरलैप हो रहा है, ये मर्ज नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। ये हो जाता है, मैंने पहले किया है इसको। इसको मैं भी यहीं छोड़ रही हूँ, ठीक है। एक बार आप ये वाला फीचर इसका करिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल के फिर उसको ड्रैग करके जब जिस भी नोड पे लेके जाएंगे उसमें ये मर्ज हो जाता है। तो उससे होता ये है कि आप अगर ज्यादा टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं किसी नोड में तो वो आप कर पाते हैं। अगला जो इसका फीचर है वो ये है कि आप इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स डिलीट नहीं हो रहा है। सपोज इस वाले नोड में आप ऐड करना चाहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप राइट क्लिक करेंगे, उस नोड को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड नोट्स का, एडिशनल नोट्स अगर आपको ऐड करने हैं, अगर आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स अगर जेनरेट करने होंगे तो आपको ये इसके हाई फीचर्स हैं कुछ, इनका यूज करना पड़ेगा। बट मैं आपको सिंपल फीचर्स जो है वो आपको बता रही हूँ जो आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। आपको किसी वेबसाइट पे बच्चों को लेके जाना है, सपोज आपने यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लिखा वॉल्केनिक इरप्शन, अब आपको वॉल्केनिक इरप्शन दिखाना है बच्चों को, तो आप क्या करेंगे जिस भी वेबसाइट पे आप बच्चों को लेके जाना चाहते हैं उस वेबसाइट का यहाँ पे URL ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे आप करेंगे URL ऐड। सपोज ये वाली वीडियो मैं बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये URL बस जो ऊपर आता है वही वाला कॉपी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। या आप कोई इमेज लेना अगर चाह रहे हैं, इमेज पे लेके जाना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि इमेजेस हैं, तो आप इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए, वोल्केनिक इरप्शन की जो है वो इमेजेस अपियर हो जाएंगी और उस पर्टिकुलर इमेज का URL आप कॉपी कर सकते हैं।
जैसे मैंने ये वाले लिए है, आपने जो कल OER का सेशन अटेंड किया था उसमें मैम ने बताया होगा कि आपको कॉपीराइट्स का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी कोई इमेज आप यहाँ से ले रहे हैं या कोई आप वीडियो ले रहे हैं तो कॉपीराइट का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। मैं आपको रैंडमली कैसे URL हम कॉपी करेंगे वो बस आपको बता रही हूँ, बट कॉपीराइट्स का ध्यान आपको रखना है। ये वाली इमेज URL आप कॉपी करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने माइंड मैप पे। Add URL और यहाँ पे URL पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ छोटा सा एक बटन आपको दिखने लगेगा और जब आपका कर्सर यहाँ पे आएगा तो ये पूरी URL आपको शो होगा और URL पे क्लिक करते ही जो है आप सीधा उसी पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आप अपने नोट्स में इमेज फाइल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे ये पावर प्लांट्स है। पावर प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों को नहीं पता है, तो आप पावर प्लांट से रिलेटेड जो इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, उन्हें सिस्टम में अपने सेव करके रखिएगा और यहाँ पे उन इमेजेस को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड इमेज करते ही वो आपसे पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपकी इमेज जो है वो सेव्ड है। अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे से आप उठा लीजिए, अगर पीसी में किसी भी लोकेशन पे किसी ड्राइव में है तो आप वहां से वो इमेज उठा के और पेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये जो तीन चार फीचर जो अभी हमने डिस्कस करे, ऐड नोट्स, ऐड कीवर्ड्स, ऐड URL, ऐड इमेज, ये आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो भी आप अभी हैंड्स ऑन में कर सकते हैं। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैप है हमारा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? दिख तो रहा है, मैं मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ, मुझे दिख रहा है उसमें स्क्रीन तो आ रहा है। ठीक है, विजिबल है ना? ओके, ठीक है। तो मैं अब आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। जो मूव कैनवस वाला टूल है, आप पहले अपने पूरे कंसेप्ट मैप को आप सेलेक्ट करेंगे और आप फिर इसको इस वाले टूल को जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा कैनवस जो है वो आपका, आप ऐसे मूव कर सकते हैं उसे, ठीक है। फिर सेलेक्ट करेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट मैप को और इस कॉन्सेप्ट मैप को आप मूव करेंगे और जिस भी जैसा भी आप इसको, आप चाहे श्रिंक करें, चाहे आप इसको एक्सपैंड करें, आप इसको मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट मैप बहुत बड़ा है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, अगर ये और भी एक्सटेंडेड है और तो आप, आपके ये मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप इनको श्रिंक कर सकते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट मैप को आप सिलेक्ट करेंगे, श्रिंक करेंगे और एक साइड पे ले जाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट मैप को एक जगह मूव करके फिर इसको और जो हमारा ये एम्प्टी मैप एरिया है और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
ये जूम इन जूम आउट का टूल है, ये तो सिंपल टूल है, तो आप सबको यूज करना आता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप सेव कैसे करेंगे। दिनेश सर आपका कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यस मैम, दिनेश सर पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी मैम, जी मैम, मैं फॉर्मेटिंग पूछ रहा था मैम कि किस तरह से अपना आइकन में कलर डालना, ये मेरे पास नहीं हो रहा। अच्छा, वो आप इससे करिए सर, विंडोज मेन्यू है ना? जी मैम, विंडो मेन्यू पे क्लिक कीजिए, उसमें फॉर्मेटिंग पैलेट आ जाएगी। अच्छा, विंडोज पे। मेरे पास तो विंडोज में शायद कुछ हो रही है। क्या सर आपका ये, आप इधर तो आ गए ना, मैप एरिया में तो आ गए ना? जी मैम, सब कुछ आ गया। आप ऊपर देखिए मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट करके। हाँ हाँ बिल्कुल, विंडोज मिल गया। जो सेकंड लास्ट है ना विंडोज, जी उस पे आप क्लिक कीजिए। जी और उसमें वो है फॉर्मेटिंग पैलेट। हाँ आ गया मैम, थैंक यू। आ गया, ठीक है मैम, ये इसकी क्वेरी थी। ओके, थैंक यू। मैं अभी आपको इसको सेव करना बताती हूँ, फिर मैं ये विनोद सर, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, एक सेकंड मत रुकिए। सेव हम सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे किसी और अपनी फाइल को सेव करते हैं। फाइल पे जाइए, फाइल मेन्यू पे जाएंगे हम, सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज करके ही पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपको सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैं कर रही हूँ सेव। जो भी मेरे मुझे मैप का नाम देना है वो मैं नाम दे दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये सोशल साइंस का भी टॉपिक है, एयर पोल्यूशन पे बनाया। एयर पोल्यूशन बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन व्यू ही रहेगी। अब ये पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको करना है, व्यू में ही करना है आपको, व्यू फॉर्मेट में, इंटरेक्टिव ग्राफिक HTML में करना है, मगर ये जो है ना आपके कंपेटेबल होनी चाहिए आपके सिस्टम में, कि जहां आप खोल रहे हो वैसी फॉर्म में खुले, या आपको PDF फॉर्म में करना है, पिक्चर JPG की फॉर्म में करना है, PNG में करना है, या और फाइल फॉर्मेट भी दे रखे हैं तो ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको फर्दर कैसा यूज करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वही फाइल फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है और उसी फाइल फॉर्मेट में आप शेयर करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी के साथ शेयर करना है अपना कॉन्सेप्ट मैप और मैं नहीं चाहती कि कोई चेंज करे, तो मैं उसे PDF वर्जन में, PDF फॉर्मेट में सेव कर लूंगी। और अगर मुझे इमेज की फॉर्म में करना है, क्योंकि सपोज ऐसा होता है कभी कभी हमें ये माइंड मैप्स बना के PPTs में लगाने होते हैं, तो PPT में अगर आपको लगाना है तो आप ये JPG में आप सेव कर लें, तो उसमें अच्छे से अपनी PPT में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF फॉर्म में मैं कर रही हूँ, आप और फॉर्मेट भी जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। आपको दिख रहा है मेरा डेस्कटॉप? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे, मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ दोबारा से। अब आप मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये मेरा एयर पोल्यूशन का PDF फॉर्म में ये जो है ये मेरा कंसेप्ट मैप सेव हो गया। इसको मैंने क्लिक करा, ठीक है, ओपन हो गया। ये आप देख रहे हैं PDF में मेरा कॉन्सेप्ट मैप जो था वो
ओपन हो गया। सिमिलरली आप फर्दर उसको कैसे यूज करना चाहते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है और उसी फॉर्मेट में आप उसको सेव कीजिएगा, चाहे आप जेपीजी में करें, चाहे आप पीडीएफ में करें, या चाहे आप किसी और फाइल फॉर्मेट में करें। मैं जो भी मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं अभी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी क्वेरीज आपके ले लेती हूँ, तो मैं एक एक करके पूछती हूँ फिर। जी ज़करिया सर, आप कुछ पूछ रहे थे? या मैम, एक्चुअली मुझे ये जानना था कि इसमें जो प्ले बटन फंक्शन है उसका क्या यूज है? प्ले बटन फंक्शन आपका तब यूज होगा सर जब आप इसकी लेयर्स बना लेंगे। इसमें ना लेयर का ऑप्शन भी है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। हाँ यस, दे कैन बी प्लेड इन अ वीडियो फॉर्म, जैसे कि मतलब वीडियो होगी ना तो एक एक लेयर प्ले करते चले जाएंगे। आपको इसमें लेयर्स भी बनाने का भी ऑप्शन है, इसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। अब ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स है, ठीक है? तो ये लेयर्स का साइन है। Okay. जब आप लेयर्स बनाएंगे, अभी तो मेरी पहली लेयर है, एक ही मैंने बनाया है, तो ये मेरी पहली लेयर है। उसके बाद अगर मैं एक और बनाती हूँ तो ये दो जो है हाईलाइट हो जाएंगे। तो जब मेरी 2-3 लेयर्स बन जाएंगी और फिर मैं उनको ये बटन प्ले करूंगी तो मेरी लेयर सारे एक साथ प्ले होंगे। ओके, आफ्टर दैट वी कैन सेव इट इन वीडियो फॉर्मेट टू। वीडियो फॉर्म सर एक बार देखिएगा तब एक्टिव होगा, क्योंकि फाइल फॉर्मेट एक्चुअली आई हैव सीन दैट नाउ देयर इज नो ऑप्शन लाइक वीडियो। हां, वीडियो का नहीं होगा। ये देखिए फाइल फॉर्मेट हमारे यही है, आप ये ट्राई कीजिएगा व्यू में करके देखिएगा इसको, या तो ये जो व्यू का बाय डिफॉल्ट वाला है ना फॉर्मेट, इसमें करके देखिएगा ये, या फिर इंटरैक्टिव वेब ग्राफिक ये वाला करके देखिएगा एक बार सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम। मंजीत सर, नमस्कार मैडम। जी सर, नमस्कार मैडम, मैं यमुनानगर से, हरियाणा से मनजीत सिंह बात कर रहा हूँ। मैंने आपके प्रेजेंटेशन के साथ साथ ही ये तैयार किया था, सेम बन गया था, लेकिन जब मैंने इसमें पिक्चर डाल लिया तो पिक्चर उसके पीछे शो हो रही थी और उसका साइज बड़ा था, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा मैडम? मैं पिक्चर भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ सर। जब आप जिस भी नोट में करेंगे ना, ये इसमें राइट क्लिक करेंगे और ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा, आपको दिख रहा होगा। एड इमेज पे आप क्लिक कीजिए और ये आपसे लोकेशन पूछेगा। आपको ना पहले इमेज सेव करके रखनी होगी अपने पास, अपने लैपटॉप या पीसी में। तो ये आपसे पूछेगा क्या लोकेशन है। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे अगर करी है, फिलहाल मेरे पास कोई इमेज सेव नहीं है मैडम। मैंने अपने लैपटॉप में, जिससे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, उसी में पिक्चर रखी थी, वही एग्जाम्पल के लिए मैंने लगाई थी, तो उसका साइज थोड़ा पीछे बड़ा आ रहा था, नोट से बड़ा, मतलब नहीं बड़ा नहीं आता है। मैं एक्चुअली मैं आपको एक करके दिखाती हूँ सर। वो ना इसी में एक छोटा सा बस आपको आइकन सा दिखता है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर एक्सपैंड हो जाती है। मैं एक ऐड करके सर आपको दिखाती हूँ अभी।
कि मैंने सिलेक्ट कर वॉलकेनिक इरप्शन की एक इमेज मैंने ले ली है और मैंने अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज ली है, यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए डेस्कटॉप पे वॉल्केनिक इरप्शन की एक इमेज थी, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ओपन करा और ये ऐसे आ रही है। ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि दिख रहा है? हाँ जी मैडम, ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा तो अपनी नोट को आप थोड़ा सा मूव कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए आपका टेक्स्ट हमने यहाँ वैसे ये गलत में मैंने ऐड करा है, ऑलरेडी यहाँ पे एक था वॉल्केनिक इरप्शन पे ही करना चाहिए था। ये जो मेरा टेक्स्ट है वो भी मुझको दिख रहा है और ये एक अभी इमेज का थंबनेल है सर, ये बड़ी नहीं है एक्चुअली, ये भी थंबनेल आ रहा है और यहाँ पे आपको दिख रही है एक्चुअल इमेज का लिंक। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी एक्चुअल इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी। तो क्लासरूम में अगर आपको एक्चुअल इमेज दिखानी है तो फिर वो यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो वो जो आपको दिख रहा है ना वो एक्चुअली थंबनेल ऐड हुआ है वहाँ पे इमेज का। मैडम वोल्केनिक इरप्शन में थंबनेल नहीं है। क्या कह रहे हैं सर? मैडम जो वोल्केनिक इरप्शन है इसमें थंबनेल तो नहीं शो हो रहा। नहीं मैंने यहाँ लगाया ना सर, पावर प्लांट वाले में इधर, ठीक है। हाँ तो ये जो छोटी सी इमेज दिख रही है ना ये तो ये उसका स्मॉलर साइज है। अगर मुझे थंबनेल है तो क्या हम इस थंबनेल के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं या एज इट इज रहेगा? मैडम ये ऐसे ही दिख रहा है, ये शायद इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो ये छोटा हो गया, मुझे इतना दिख रहा है मेरे नोड में, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्लास में ये दिखाना है वॉल्केनिक इरप्शन क्या है तो मैं यहाँ सिर्फ जेपीजी का जो ये है दिख रहा है मुझे लिंक, इस पे क्लिक करूंगी और एक्चुअल इमेज खुल के आ जाएगी। तो इससे फायदा ये होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट मैप में अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, क्योंकि हम सारी चीजें कॉन्सेप्ट में यहाँ लिख तो सकते नहीं ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉज्ड व्हेन दिस 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 या इट इज कॉल्ड दिस दिस दिस, तो हमें जो है हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो हम यहाँ इमेज की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में या लिंक्स की फॉर्म में जो है वो हम ऐड करते कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये फैक्ट्रीज या रिफाइनरीज के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी मैं ऐड नोट्स कर दूंगी, ठीक है। और नोट्स में मैं यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी कि क्या होता है ये, ठीक है। फैक्ट्रीज और रिफाइनरीज कैसे एक कॉज है एयर पोल्यूशन के लिए, यहाँ पे मैंने खूब इसमें जो है डिटेल नोट लिख दिया और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेंसिल का निशान आ रहा है ना, ठीक है। इस पेंसिल पे जैसे मेरा कर्सर आएगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोटी होगी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होने लगेगी, लेकिन मैंने जब इस पे क्लिक करा तो मेरे एडिशनल नोट्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये ओपन हो गए, क्योंकि हम ये तो हमारा पिक्टोरियल वे है ना, ये तो हमारी इन्फोग्राफिक है ना, तो इसलिए हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और नंबर ऑफ जो टाइप्स हैं किस तरीके से हम ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, हम उसको लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, हमने एडिशनल नोट भी ऐड कर दिए, हम जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इस हम मैप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक कीवर्ड्स अगर हमें ऐड करने हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं बच्चों को ये बताना चाह रही हूँ कि स्मोक के और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड कौन कौन से, सिनोनिम कौन कौन से हैं, या स्मोक को वो कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर देती हूँ, ऐड कीवर्ड्स, ठीक। नोड का लेबल क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है स्मोक, ठीक है। अभी आया कीवर्ड्स, अभी ब्लैंक है, मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्मोक को और हम कैसे जान सकते हैं क्या होता है स्मोक, आप इस पे अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसका फायदा ये है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वर्ड कीवर्ड्स वही तो होते हैं ना कि उन कीवर्ड्स की हेल्प से जो हम एक्चुअल वर्ड को जो है या तो सर्च कर सकते हैं या हम उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी आप मतलब वो होगा इंग्लिश में ही, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन इमेज,
क्या होगा, डबल क्लिक से खुल गई, ठीक है। अच्छा मैं अभी अनम्यूट करती हूँ और जितने पार्टिसिपेंट्स पूछना चाह रहे हैं। जी राजेंद्र सर, एक मिनट फिर से म्यूट हो। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने इसको सेव कर लिया अपने पास, तो क्या आफ्टर सेविंग वी कैन एडिट, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं मैम, और एडिट कर सकते हैं इसमें? हेलो, मेरा म्यूट था। एडिट पीडीएफ फॉर्म में अगर आप कब कर रहे हैं तो एडिटिंग उसकी मुश्किल होगी सर। और जेपीजी में भी हम क्या करते हैं, जेपीजी में पिक्चर की फॉर्म बन जाती है ना, ये जैसे हम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो एडिटिंग तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर व्यू फॉर्मेट में आप कर रहे हैं और फिर आपका व्यू में ही खुल रहा है, क्योंकि आप व्यू में ही खोल पाएंगे अगर व्यू फॉर्मेट में आप कर रहे हैं, तब एडिटिंग पॉसिबल है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। एक मिनट, आलोकी ईश्वर दास सर को एक बार अनम्यूट कीजिएगा, इधर से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। यस ईश्वर दास सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मुझे दिख नहीं रहा है कोई और क्वेश्चन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, जिस भी नोड में आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आप वहां पे अपना कर्सर ले जाइए, राइट क्लिक प्रेस कीजिए और वो सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जो भी आप ऐड करना चाहते, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कीवर्ड्स हो, एनीथिंग, ठीक है। और जी राजेंद्र शर्मा फ्रॉम हरियाणा। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस है वो माइंड मैप में कैसे टाइप कर पाएंगे हम? टाइप कैसे कर पाएंगे? जी मैम, मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जो, जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल है, पावर का सिंबल है, या और स्पेसिफिक कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो सिंबल है, वो कैसे टाइप कर पाएंगे मैम? वो तो सर ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना तो उसमें सिंबल्स का ऑप्शन आता है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना? हाँ हाँ, वो तो पता है मैम जी। या तो सर आप उसे अपने वर्ड में करके फिर इसमें कॉपी पेस्ट करिए, या फिर एक कीवर्ड, ये सॉरी लैपटॉप का जो हमारा ये होता है ना कीबोर्ड, कीबोर्ड इसमें भी जो है तो है, जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, नहीं तो इसकी एक सॉफ्टवेयर भी होता है सर जिसकी हेल्प से आप मैथमेटिकल सिंबल्स ले सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर का नाम मुझे अभी मतलब ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब मैथमेटिक्स का कभी मतलब कुछ काम अगर आता था तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम वो इक्वेशन जो है ऐड कर लिया करते थे। नहीं तो आप एक वो ट्राई करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में हम जैसे सिंबल्स लेते हैं वो कॉपी पेस्ट करके देखिएगा सर। फॉन्ट चेंज हो जाता है इसमें मैम, पेस्ट करते ही चेंज, पेस्ट करते ही फॉन्ट चेंज हो जाता है मैम, शो नहीं करता। तो फॉन्ट का स्टाइल छोटा कर लीजिए। नहीं मैम, उसमें कुछ और वर्ड के लिए कुछ और फॉन्ट होता है, उसके लिए कुछ और है मैम, ये एक्सेप्ट नहीं करता उनको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एज इट इज है इक्वेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यूवी मैं ट्राई किया था मैम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सिंबल्स में जो सिंबल आते हैं बहुत सारे, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ यस मैम।
ये एक्सेप्ट नहीं करता है मैम। अच्छा तो सर फिर तो उसका दूसरा फिर यही सॉल्यूशन हो सकता है, तो या तो हमारा जो ये है कीबोर्ड है उसमें वो सिंबल होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको एक दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होगी तभी हो पाएगा। ओके थैंक यू मैम। क्या कोई टूल्स जो है टूल्स अगर हमें पता चल जाए ना, जैसे सबने बात की है मैथमेटिक्स की तो ये ठीक है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हो जिसके हेल्प से हम ये कर पाए, क्योंकि इसमें फॉर्मेट तो चेंज होता ही होता है जब भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि माइसोर वर्ड फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे जब नोड और सब नोड जाएंगे जो अलग करते हैं जी, तो अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें कि अगर कोई ऐसे एक मैथमेटिक्स पे एक सेपरेट सेशन होने वाला है हमारा थर्सडे को है ना मैम, थर्सडे को यार थर्सडे को ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस होने वाले हैं सर हमारे। ओके उसमें मैथमेटिक्स को भी कवर करेंगे, सोशल साइंस पे होएगा, लैंग्वेजेस पे होएगा, तो अलग अलग आईसीटी टूल्स हम जो सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाले हैं थर्सडे को, तो उसमें मैथमेटिक्स का एक नया सॉफ्टवेयर आप लोग सीखेंगे और जो हमारी जो एक्सपर्ट होंगी वो खुद मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो वो आपकी इस वाले सवाल का जवाब दे देंगी। बाकी मैथ की जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना सॉफ्टवेयर से जहाँ से आप इक्वेशंस कॉपी कर सकते हैं वो मैं ठीक है अगर मैं एक्सप्लोर कर पाई और मुझे मिल जाती तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी पक्का। गूगल ड्राइव पे भी मैंने मुझे लास्ट टाइम एक पार्टिसिपेंट ने हमें बताया था कि गूगल ड्राइव पे आप एड कर सकते हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जिसमें मैथ्स की इक्वेशंस का एप्लीकेशन भी है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। Excuse me, ma'am. जी शीतल मैम। मैम एक्चुअली मैंने 3 times डाउनलोड कर लिया व्यू और एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन वो दिखा रहा है कि पीसी मेरा विंडो 10 एडवांस है तो इट्स नॉट सपोर्टिंग। विंडो का वर्जन भी रहेगा प्रॉब्लम? विंडो का वर्जन इसमें लिखा हुआ है, जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो विंडो वर्जन वो पूछता है बताता है, एक मिनट में देखती हूँ मैम फिर से करके। मैम मैंने कई बार 3 डाउनलोड कर लिया। आप एक बार वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम? आप स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दीजिए। ग्रुप में मैम अलाउड नहीं है, ग्रुप में मैं शेयर कर रही थी वहाँ एडमिन्स ओनली। नहीं नहीं इधर कर दीजिए, इधर आलोक सर एक बार मैम को हाँ तो मैम का हम करेंगे ना सर, आपका भी फिर देख लेते हैं, मतलब सेम ही प्रॉब्लम वगैरह तो तभी। आप शीतल आल्सो फ्रॉम अंबाला में, यस मैम आप इनकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सो दैट कि सभी पार्टिसिपेंट्स के पास भी डाउट क्यूरी होगी तो सॉल्व हो जाएगी। शीतल प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मैम आपको राइट्स दे दिए स्क्रीन शेयर का? ऑलरेडी गिवन सर। ओके सर थैंक यू आलोक जी। मैम एक्सक्यूज मी, द सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही थी मेरे, लेकिन मैंने अननोन रिसोर्सेस में जाके सेटिंग्स को चेंज करके फिर वो रन किया तो और इंस्टॉल किया जी। तो एक बार शीतल मैम का देख लेते हैं, इनका सॉल्यूशन अगर निकल आता है तो फिर मुझे लगता है कई लोग पार्टिसिपेंट्स का जो है जवाब मिल ही जाएगा जी। जी अननोन रिसोर्सेज से कर सकते हैं मैम, पर इसमें तो अननोन रिसोर्सेज वाला कुछ है ही नहीं, मतलब डायरेक्टली डाउनलोड किया है बट वो शो नहीं कर रहा है। दिखा दीजिए मैम एक बार, शेयर कर लीजिए। वेट मैम चैट बॉक्स में किसी ने लिखा भी है मैथ्स के एप्लीकेशंस हैं ये मैथ टाइप मैथ मैजिक, राजस्थान से लिखा है सर ने मैथ कास्ट, आप ये देख लीजिए चैट बॉक्स में जो भी हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर्स की। मैम मोरओवर व्यू ई में खुद फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी फॉन्ट यूज करें कैलिब्री और टाइम्स रोमन जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर वो सेम कर देते हैं वीयूई में तो हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टाइल मतलब फॉन्ट सेम होने की वजह से ऑलरेडी सॉल्व्ड है। वीयूई में अगर ये फॉन्ट सेम कर लेते हैं जो ये वर्ड में यूज कर रहे हैं। ये किस सवाल का जवाब दे रही है मैं समझ नहीं पाई। मैम इक्वेशंस के लिए मैथमेटिक इक्वेशंस के लिए ना फॉन्ट ही सपोर्ट कर रहा है तो फॉन्ट वी UE भी डिफरेंट फॉन्ट ऑप्शंस दे रहे हैं। I've just checked. अच्छा, अच्छा, जी, तो फॉन्ट ही चेंज कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
अगर वो फॉन्ट अवेलेबल है कि वो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस ले पा रहा है और उस तरीके से दिखा रहा है तो फिर अच्छा यस मैम ऑलमोस्ट सभी कौन सा फॉन्ट है मैम एक बार मतलब अगर आप बता पाए तो मैम ऑलमोस्ट सभी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे जिस फॉन्ट में ये आप टाइप करना चाह रहे हैं सेम ही फॉन्ट हम VUE में खोल दें लेट इट बी कैलिब्री अगर कैलिब्री में जो भी हो रहा है तो हम इधर VU में भी कैलिब्री खोल देंगे या वहां टाइम्स रोम खुला है तो इधर भी टाइम्स खोल देंगे तो ऑब्वियसली जब फॉन्ट ही सेम हो गया तो वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू मैंने अभी देखा एक बार ट्राई करके देख लें जी अच्छा है मैम सजेशन आपका थैंक्स थैंक यू सारे सवाल तो हमें आपस में ही मिल जाते हैं कहीं पूछता है तो दूसरे के पास जवाब होता है बहुत अच्छी बात है अच्छा ग्रुप की एक पहचान है तो अभी कोई क्वेरी नहीं है आप लोग की तरफ से मैं एक बार ये अनम्यूट करती हूँ विनोद सर को हाँ जी विनोद सर हेलो जी सर मैडम ये जो हमने अभी इसमें ट्री बनाया था यानी एक ब्रांचेस आगे बनाई थी क्या इन ब्रांचेस को हम कैनवा में यूज कर सकते हैं इनको हाँ यहाँ बना करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं टेम्पलेट पे बिल्कुल लगा सकते हैं सर आप इसको JPG फॉर्म में सेव कर लीजिएगा और आप PPT में कहीं भी आप इसको पेस्ट करना चाहें ऐड करना चाहें कर सकते हैं टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल वहाँ कर लीजिए इसको सेव JPG फॉर्म में करके और फिर करना कर सकते हैं जी सर JPG में कर लीजिए ठीक है थैंक यू PDF में भी आप अपलोड करके देखिएगा PDF में भी आप सेव कर लीजिए और फिर आप अपनी PPT में आप लिंक जाएगा आप लगा के देखिएगा एक बार JPG में करें वो ज्यादा अच्छा है JPG में करके देखिए सर जी ठीक है थैंक यू I'm sharing my screen. एक जी मैम करिए आप स्क्रीन मैम कैन यू सी माई स्क्रीन नहीं मैम आपका स्क्रीन नहीं विजिबल है अभी आलोगी ईश्वर सर को एक बार अनम्यूट करो इधर से मैं कर नहीं पा रही हूँ एक्चुअली हम उन्हें अनम्यूट नहीं कर सकते बस राइट्स दे सकते हैं वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं ईश्वर सर आपका हैंड रेज्ड है वर्चुअल हैंड बहुत देर से अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को I think ma'am he is unattentive. Ma'am, see. Good afternoon, ma'am. Rajesh Tangra from Himachal Pradesh. Hanji sir, ji sir, bataiye. Ma'am, hum isme VUE mein superscript aur subscript kaise use karenge? Kyunki isme nahi ho pata hai ye. Isme ek minute sir, nahi ho pata hai? Haan, main try kar raha tha nahi ho pa raha hai. आपने फॉर्मेटिंग पैलेट देख ली उसमें ये ऑप्शंस नहीं है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के नहीं है उसमें ये उसमें नहीं है सर फॉर्मेटिंग पैलेट में नहीं है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लेकिन एक बार और हमारे जो मेन्यू बार में ऑप्शंस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे उसमें भी नहीं है मैम मैंने सर्च किया और तो हम हेलो हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ सर बताइए हाँ, तो मैं भी एक बार देख रही थी कि इसको कर पाएंगे क्या क्योंकि उधर दूसरे ऑप्शन में चांस हो सकता है इसलिए मैं एक बार देख रही थी सर ओके अच्छा एक तो ये है सर मतलब ट्राई करिएगा वैसे तो ये फॉन्ट को स्मॉल और बिग करने के लिए है
और उसमें स्मॉल, लेकिन ये तो फॉर्मेटिंग में भी है। और जैसे मैंने कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसमें हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट यूज करने पड़ते हैं। जी जी, बहुत सी जगह लगे। और जब डेटी हमें लिखनी है तो उसमें हमें चाहिए होता है सुपरस्क्रिप्ट। मैम जी, मैम हरिओम जी जी, ये संस्कृत में लिखने के लिए यदि हम यूनिकोड में लिखे देवनागरी से कहते हैं तो वो कहीं भी यूज हो जाती है, चाहे वीयू में लिखना, जैसे हम अंग्रेजी में कहीं भी लिख सकते हैं तो वो कोई चेंज भी नहीं होता, वो एक ऑप्शन बना रहता है। मैं तो केमिकल इक्वेशन की बात, मैं केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इस तरह से है, मैंने कई बार सेव भी कर लिया स्क्रीन पे और ये बार बार आई जा रहा है। और आपने कर लिया ना डाउनलोड विंडोज वाला, डाउनलोड विंडो फॉर व्यू, वो कर लिया मैम कई बार। हाँ, कर लिया। अच्छा, एक बार करिएगा फिर क्या मैसेज आता, बस मैं ये देखना चाह रही थी मैम। ये आ रहा है बाय ऑनलाइन हाउ टू बाय क्लोज एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद भी। अच्छा दिखाए, एक बार दिखाएंगे आप प्लीज करके रिज्यूम शेयर। मैम इनका आई गेस की जो विनरार ऐप है ना वो एक्सपायर्ड हो गया होगा। यस सर। हाँ, इनके पास कोई एक्सट्रैक्टर नहीं होगा शायद सर, वहां से अनोन रिसोर्सेज। मैम इसको आगे बढ़ाएं तो पता चल पाएगा, हम लोग अभी तो गेस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। मैम दरअसल मेरे यही प्रॉब्लम थी तो मैं डाउनलोड में जाकर मैंने इसको वहां से फिर से ओपन किया, कैनॉट एग्जीक्यूट पे जाकर मैंने सेटिंग किया। आपका स्क्रीन आगे बढ़ नहीं रहा है मैम, बस ये डाउनलोड वाला ही दिखा रहा है। नहीं मैम ये है अगर मैं। अच्छा एक अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ मैम, हम आपका देख रहे हैं। बाकी वैसे ये लंच ब्रेक टाइम है, अगर आप लोग लंच ब्रेक के लिए जाना चाहते हैं, अटेंडेंस आई होप सबने मार्क कर दी होगी। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स प्रेयर टाइम, यस यू कैन लीव।